सारे केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने पत्र लिखा है, मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और पत्र में आतंकी हमले और अन्य असामाजिक तत्वों से सुरक्षा का जिक्र किया गया है। तो केदार धाम में मेटल डिटेक्टर से जांच की मांग की है, सामान रखने के लिए रूम बनाने का भी जिक्र किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने यह पत्र लिखा है और केदारनाथ धाम में हमले की आशंका जताई है। आतंकी हमले या असामाजिक तत्वों से सुरक्षा का जिक्र उन्होंने किया है इस पत्र में और मेटल डिटेक्टर से केदारनाथ धाम में जांच की मांग भी मंदिर समिति की तरफ से की गई है। तो केदारनाथ मंदिर परिसर में लगाया जाए DFMMD और सामान रखने के लिए अलग से रूम बनाने का भी जिक्र किया गया है। तो गर्भगृह की रिकॉर्डिंग का मामला, केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और पत्र में केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है। सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे, मुख्य सचिव को मंदिर समिति की तरफ से ये पत्र लिखा गया है और असामाजिक तत्वों से सुरक्षा का जिक्र और आतंकी हमले की भी आशंका जाहिर की गई है। देखिए, हमले की आशंका जाहिर नहीं की गई है, बल्कि केदारधाम में अगर देखें तो पिछले दो दिनों में जिस तरीके से मंदिर के गर्भगृह से तमाम रिकॉर्डिंग्स लाइव हो रही थी, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, उसको लेकर मंदिर समिति के अध्यक्ष ने एक पत्र लिखा है मुख्य सचिव को कि मंदिर की सुरक्षा को इस स्तर का बनाया जाए कि जिससे आतंकी हमले से भी चीजों को रोका जा सके और दूसरा कोई असामाजिक तत्व अगर प्रवेश करता है तो उसको भी कंट्रोल किया जा सके। अभी सुरक्षा बढ़ाई नहीं गई है, अभी मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है और संभवतः भविष्य में इसकी सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। DFMD यानी डोर फ्रेम्ड मेटल डिटेक्टर वहां पर लगाया जाए जिससे लोगों को पहले ही स्कैन कर लिया जाए और दूसरा मेटल डिटेक्टर से तमाम जांच हो पाए, यानी उसकी सुरक्षा का स्तर इस तरीके का होगा कि जिस तरह से बड़े प्रतिष्ठान, बड़े संस्थान, धार्मिक संस्थान जहां पर इस तरह के हमले रोकने और इस तरह की चीजों का प्रवेश ना हो असामाजिक तत्वों का, तो वो तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की जाएं। इसके लिए उन्होंने पत्र लिखा है, एक क्लॉक रूम बना लिया जाए परिसर के भीतर ही जहां पर लोग अगर मोबाइल लेके आते हैं, सामान लेके आते हैं तो उसको जमा किया जा सके, सारी चीजें स्कैन हो सके, इस तरह की व्यवस्था के लिए कहा गया है। अभी इसमें समय लगेगा, जब मुख्य सचिव इस पर रिपोर्ट मंगाएंगे, तमाम निर्देश देंगे, उसके बाद ये सारी व्यवस्थाएं अमल पे आएंगी, लेकिन ये तय है कि जल्द ही सुरक्षा को और मजबूत कर लिया जाएगा। जिस तरह से सोशल मीडिया में तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, जबकि गर्भगृह में कैमरा ले जाना प्रतिबंधित है, लेकिन इस तरह की व्यवस्था अभी नहीं है। सुरेंद्र, क्या और भी कोई संदिग्ध गतिविधि देखी गई है अगर इस तरह की, जिससे ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है, क्या कुछ संदिग्ध गतिविधि इस दौरान हुई है? देखिए, संदिग्ध गतिविधि ऐसी कोई नहीं हुई है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि गर्भगृह से लाइव रिकॉर्डिंग और तस्वीरें, तमाम चीजें सामने आ रही हैं, भीड़ लगातार बढ़ रही है, अब तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रवेश कर चुके हैं, तो भविष्य के लिए सुरक्षा को और मजबूत करना होगा। देश में कई ऐसे बड़े मंदिर हैं जहां लाखों लोग आते हैं, सुरक्षा वहां मजबूत रहती है, तो इसलिए केदारधाम भले ही हाई एल्टीट्यूड में हो, लेकिन वहां पर भविष्य की भीड़ को देखते हुए, तमाम जो श्रद्धालु उनको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को थोड़ा मजबूत किया जाए। हमारे साथ बने रहिएगा, वापस आपके पास आएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुना दें आपको। देखिए, जिस तरीके से आज केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में देश विदेश से तीर्थयात्री वहां पर पहुंच रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मंदिर की जो सुरक्षा है उसको लेकर के चिंता होना जायज है। तो इस संदर्भ में मेरे द्वारा मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा गया है जिसमें मैंने ये सुझाव दिया है कि मंदिर के एक निश्चित दूरी पर क्लॉक रूम बनाया जाए। और क्लॉक रूम में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि तीर्थयात्री या श्रद्धालु जो भी आते हैं वो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो अपने बैग साथ लेकर के या मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण अन्य इस तरीके की सामग्री लेकर के वो सीधे मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो मैंने सुझाव दिया है कि मंदिर की एक निश्चित दूरी पर एक क्लॉक रूम तैयार किया जाए और जहां पर कि ये सारी सामग्री उनकी जमा कर ली जाए, और उसके अलावा मेटल डिटेक्टर इत्यादि जो भी सुरक्षा को लेकर के आवश्यक लगता है वो सारे प्रयास किए जाने चाहिए।
ये स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से मैंने कहा कि जिस प्रकार से कई प्रकार के लोग आ रहे हैं, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई असामाजिक तत्व हो या आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, उसकी मंशा कुछ गलत हो, तो किसी प्रकार की अनहोनी को रोकने से पूर्व हम अपनी तरफ से सुरक्षा की पूरी तैयारियां कर लेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा में नया रिकॉर्ड बना है और अब तक का 26 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, इस बार यात्रा को लेकर बेहतर इंतजाम किए गए ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है। तो कांवड़ यात्रा पर भी सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है, कांवड़ यात्रा में भी बनेगा इस बार नया रिकॉर्ड। तो चारधाम यात्रा में नया रिकॉर्ड बना है ऐसा सीएम धामी का कहना है। अभी कांवड़ यात्रा भी हमारी चालू होने वाली है और वो भी अनुमान है कि इस बार काफी बड़ी होने वाली है। और जिस प्रकार से चारधाम यात्रा में अभी तक 26 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि अभी यात्रा को लगभग 2 महीना होना जा रहा है, 2 महीने में लगभग 26 लाख की संख्या पार कर चुकी है जो रजिस्टर्ड है, इसके अलावा भी लोगों ने दर्शन किए हैं, तो रिकॉर्ड है। इसी प्रकार से इस बार की कांवड़ यात्रा भी एक रिकॉर्ड होने वाली है, क्योंकि 2 साल बाद हो रही है। तो कांवड़ यात्रा और चारधाम यात्रा सभी के लिए सरल हो, सुगम हो और सबकी सुरक्षित यात्रा हो, उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। तो सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त बने हुए। सुरेंद्र, आपके पास आएंगे, जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आधिकारिक तौर पर लगभग 26 लाख भक्तों ने दर्शन किए हैं और इसके अलावा भी लोगों ने दर्शन किए, तो एक नया रिकॉर्ड बना है और ऐसा ही रिकॉर्ड कांवड़ यात्रा में भी बनेगा। देखिए, बिल्कुल अभी ये रिकॉर्ड और आगे जाएगा, क्योंकि ये मॉनसून सीजन शुरू होने तक का रिकॉर्ड है। अभी सितंबर और अक्टूबर में एक बार फिर से यात्रा अपने चरम पे आती है, जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु तब भी पहुंचते हैं, यानी ये रिकॉर्ड आप मान के चलिए 30 लाख को क्रॉस करेगा बहुत आसानी से। और जिस तरह से पिछले आंकड़े देख लीजिए, इस बार जिस तरह चारधाम क्षेत्रों में, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, यमुनोत्री गंगोत्री हो, सभी जगह श्रद्धालुओं की भीड़ रही है, तो उसे देख के लगता है कि कांवड़ यात्रा में भी इस बार बड़े पैमाने पे तमाम आपको जो श्रद्धालु हैं वो नजर आएंगे, कांवड़िए नजर आएंगे, क्योंकि 2 साल से इंतजार उनका भी है। और इस बार जब कांवड़ यात्रा होगी तो बड़ी संख्या में ये लोग आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री तमाम जगह पहुंचते हुए दिखेंगे, इसलिए प्रशासन को वहां भी बहुत ज्यादा मजबूत तैयारी करने की जरूरत है। हालांकि मुख्यमंत्री पहले भी समीक्षा बैठक ले चुके हैं, डीजीपी खुद पुलिस की समीक्षा बैठक और कोऑर्डिनेशन। सुरेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर इस वक्त बता दें, केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने और बंद करने के समय में बदलाव किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, अब सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बाबा के दर्शन होंगे। मॉनसून सीजन और यात्रियों की घटती संख्या के चलते यह फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, मॉनसून सीजन और यात्रियों की घटती संख्या के चलते यह फैसला लिया गया है। सुरेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। सुरेंद्र, इस समय में बदलाव किया गया है? देखिए, बिल्कुल मॉनसून सीजन में श्रद्धालु कम हो जाते हैं, जहां 20 से 25,000 लोग केदारनाथ आ रहे थे, अब मुश्किल से 2,500 से 3,000 लोग एक दिन में होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में करीब 70-80% जो श्रद्धालु हैं वो कम हो जाते हैं। और इसीलिए सुबह 5 से 9 बजे तक का अब मंदिर का समय रहेगा। यानी इसके पीछे अगर बात करूं तो तमाम तैयारियों से लेके भोग लगाने से लेके उसके बाद ये श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोलने, तमाम व्यवस्थाओं को देखा जाता है। और बारिश जिस तरह से बढ़ रही है उसके मद्देनजर भी ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुरेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार में बड़ी बैठक।